इस समय सब्जी मार्केट में अच्छी ताजी ताजी लाल मिर्च मिल रही हैं अचार बनाने वाले, तो देखकर सभी का बहुत मन हो रहा होगा अचार बनाने का। तो चलिए आज हम लाल मिर्च का अचार बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो पूरा मिर्च का अचार बनाएंगे, इसे ऊपर से नीचे तक एक चीरा लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मिर्ची में बीजे बिल्कुल भी नहीं है, यदि ज़्यादा बीजे रहते तो उसे हम निकाल कर मसाले में मिला लेते हैं, तो इसमें बीजे नहीं दिख रहे तो हम इसे नहीं निकालेंगे थोड़े से बीजों को। एक मिर्ची और हम आपको चीर कर बता दे रहे हैं, इस तरह से हमें तैयार करना रहेगी भरने वाली मिर्चियों को। 400 ग्राम मिर्ची के एवरेज में तेल और मसाले की क्वांटिटी रहेगी। कुछ मिर्चियों को हम छोटे पीसों में काट कर तैयार कर लेंगे। ये दोनों तरीके से जो अचार बनकर तैयार होता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, जिस तरह से इसे मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और जब तक भी आपका अचार ख़त्म नहीं होता, जब तक चलता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये बनाना भी बहुत सरल है, बिल्कुल भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। जिस तरह से मैं आपको अचार बनाना बता रही हूँ, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर रख लेंगे। देखिए इन्हें हमें इस तरह के पीसों में काट कर तैयार करना है। बाकी मिर्चियों को भी हमने काट कर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साबुत मिर्चियों में जो हमने चीरा लगा कर रखा था उसे एक टोकनी या प्लेट कुछ में भी सेट कर कर रख देंगे। इसी तरह से जो हमने मिर्ची के छोटे छोटे पीस किए हैं उसे एक प्लेट में या टोकनी में कुछ में भी रख देंगे। अब इन्हें क्या करना है, हमें सारे दिन की धूप दिखाना है। यदि आपके पास धूप की व्यवस्था नहीं है तो इसे आप खुले में रख दें, पंखा की हवा में रख दें, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो हमें बिल्कुल निकालना है। और इसे अब हम इस तरह से फैला देंगे। चलिए अचार बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस में हमने एक पैन रख दिया है। अब डाल देंगे हम 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ा धनिया। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट तक हमें रोस्ट करना है, हल्की सी खुशबू आने लगे और बंद कर देंगे। चलिए मसाले की नमी दूर हो गई है, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे 2 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच काली सरसों। चाहे तो आप 3 चम्मच पीली सरसों डाल लीजिए, चाहे तो 3 चम्मच काली सरसों डाल लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। चलिए सरसों की भी नमी दूर हो गई है, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जब तक सभी मसाले ठंडे हो रहे हैं उसी बर्तन में हम 3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होगा तो इसमें हम 1 चम्मच भरकर सफ़ेद नमक डाल देंगे। सफ़ेद नमक हम इसलिए डालेंगे कि जब हम अचार खाते हैं तो जो तेल का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा जब तेल ठंडा हुआ तो हमने 1/2 चम्मच हींग भी डाल दी है। चलिए मसाले ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पीस लेते हैं और इन्हें हम थोड़ा सा दरदरा मोटा पीसेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा मोटा पीसा है, इससे क्या अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हर मसाले का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब हम मसालों को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो दूसरे मसाले मिलाना है उन्हें ऐड कर लेते हैं। 1.5 चम्मच करीब हम लाल मिर्च मिलाएंगे, ये तीखी नहीं है। 1 चम्मच हम नमक मिलाएंगे सफ़ेद, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच अमचूर पाउडर। मेथी ये रोस्ट करी हुई बटी हुई है, अजवाइन 1/2 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच। अब इन सबको मिक्स कर देंगे और ये मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इसमें हमें नींबू और मिलाना है। नींबू से लाल मिर्च के अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब हम नींबू और मिला लेते हैं। ये बड़े साइज के 2 नींबू ले लिए हैं, 2 नींबू बहुत है क्योंकि हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर भी मिला लिया है 2 चम्मच, और फिर इन नींबुओं में रस भी काफ़ी है। सभी मसालों के साथ हम नींबू को मिक्स कर ले रहे हैं। अब थोड़ा सा हम तेल मिलाएंगे, अभी तेल ज़्यादा नहीं मिलाना है हमें, थोड़ा सा मसालों में तेल एक सा हो जाए बस इतना मिलाना है। मसालों को हमें
सूखा ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। दोनों प्रकार की मिर्चियों को हमने एक पतले कपड़े से ढककर धूप में रख दिया था, काफ़ी देर तक ये धूप में रही। चलिए अब हम अचार डाल लेते हैं। पहले हम जो साबुत मिर्चियों को तैयार करके रखा था उन्हें भर लेंगे मसालों से। मिर्चियों में हम जब मसाला ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे तो अचार बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम सभी मिर्ची को भर कर रख देंगे। अब इसे हम तेल में डिप करते हुए एक कांच की बॉटल में भर कर रख देंगे। बहुत ही अच्छा शानदार भरवा मिर्च का अचार बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है, और बनाना देखिए कितना आसान है, फटाफट बन गया। चलिए अब हम कटी हुई मिर्चियों को तेल और मसालों में मिक्स कर कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे तो हम इस कांच के बाउल में जिसमें मसाला था उसी में तेल मिक्स कर देते, पर मुझे ऐसा लगा मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें मिक्स करते अच्छे से बन जाएंगी। चलिए मिर्चियों को डाल लिया है, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों पूरा सामान आपको किचन में मिल जाना है, सिर्फ मिर्ची बाज़ार से लाना है, तो आप फटाफट बाज़ार से मिर्ची लाएँ और एक बढ़िया अचार बनाकर तैयार करें। अभी आपको इसमें तेल बहुत कम लग रहा होगा, पर 2 से 3 दिन में जब मिर्ची गल जाएंगी तो एकदम तेल ऊपर तक आ जाएगा। तो अभी हम इसी बर्तन में अचार को रखा रहने देंगे, तो हम इसको क्या 1 से 2 बार अलट पलट भी कर देंगे। 2 दिन बाद जब अचार अच्छी तरह से गल जाएगा और तेल अच्छी तरह से ऊपर तक आ जाएगा तो फिर आप इसे बर्नी में भर दीजिए। और बर्नी में भरने के पहले थोड़ा सा एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिए, यदि नमक कम लगे तो आप बढ़ा लीजिए, और बाकी मसाले तो सब इसमें कम्प्लीट है। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।